यूपी में विधानसभा चुनाव एवं शपथ ग्रहण दोनों समाप्त हो चुका है। मंत्रियों को उनके विभाग भी आवंटित कर दिए गए हैं, परंतु राज्य और जनता के प्रति समर्पण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। मीडिया से सोशल मीडिया तक इस बात की जानकारी आग की तरह फैलने लगी है। नमस्कार, एबी न्यूज के साथ मैं दिवाकर पांडे। नए नियम के मुताबिक यूपी सरकार के मंत्रियों को अब बिना जानकारी दिए राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि बाहर जाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी सरकार और पार्टी को देनी होगी। साथ ही साथ मंत्री अब अपने मन मुताबिक बड़ी गाड़ियों, घरों और दफ्तरों में फर्नीचर पर पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों को दिए गए कार्यों की समीक्षा खुद योगी आदित्यनाथ करेंगे। सभी मंत्रियों को अलग अलग कार्य सौंपा गया है, जिसके बाद उनको 100 दिन के भीतर अपने काम की स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को देनी होगी। कैबिनेट में पेश होने वाले प्रस्तावों को भी मंत्रीगण खुद पेश करेंगे। हालांकि उनके विभाग के प्रमुख और उनके सचिव अब सिर्फ सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। मंत्रियों और अफसरों के स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अब मंत्रियों के पसंद के निजी सचिव नहीं मिलेंगे। इसके तहत रोटेशन के आधार पर निजी सचिव दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से निजी स्टाफ का चयन अब डिजिटल तरीके से एक लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। मंत्रियों को उम्मीदवारों की सूची से ही अपना स्टाफ चुनना होगा। इसके अलावा बीते 5 सालों में किसी भी मंत्री के साथ काम कर चुके सपोर्ट स्टाफ को शामिल नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के मंत्रियों के लिए राज्य का संपत्ति विभाग नए बंगले को तैयार कर रहा है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बंगलों में साज सज्जा पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिन मंत्रियों के पास पहले से ही आवास है, उन्हें नए बदलाव की जरूरत नहीं है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए एबी न्यूज़।